Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to this session where we used to cover some of the important schemes collection nahi hai. This is of the important MCQs for the week. So whatever the MCQs that you have covered that were important in the last 1 week, we will be covering it. So yahan par it will be a one sort of revision. Jaise hum baat karte hai na ki ek वीक की रिवीजन होनी चाहिए, वीकली रिवीजन होना चाहिए. वट एवर यू हैव कवर्ड इन द लास्ट 1 वीक, उस सेगमेंट को रिवाइज इट अगेन. सो मल्टीपल रिवीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो. सो यहां पर PIB बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. वील कवर ऑल द इंपॉर्टेंट MCQs दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. वील क्विकली रिवाइज देम वंस अगेन सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट एनफ कि आपको आता है, और आपको आता भी है. मल्टीपल रिविजन से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ही होगा. अब टाइम वेस्ट करने की बारी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कन्फर्म कर दो इन द चैट सेक्शन इफ आई एम ऑडिबल. इफ आई एम ऑडिबल विजिबल प्लीज कन्फर्म इन द चैट सेक्शन. और एक थम्स अप साइन दे दो बेसिकली बाय मार्किंग योर अटेंडेंस. मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यस प्लीज. Mark your attendance by liking this session. Do share this session with your other friends. और यहां पर फिर हम देखेंगे last 1 week में कौन कौन से important questions आपने cover किए हैं. Most important current affairs for the week, उसको will revise it once again. I am giving you 2 minutes. 2 मिनट में हम ये session शुरू करेंगे. जिसने join करना है, whoever wants to join, they will join. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. देखो क्या है ना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि यू गेट द नोटिफिकेशन कि लेक्चर शुरू होने वाला है. एवरी मंडे राइट एट 9 PM वी यूज टू हैव दिस लेक्चर. एंड ट्राई गिविंग एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल. गलत मैं तो बोलती हूँ सारे आंसर्स देना, गलत भी हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है. कैन एनीबडी इन द चैट सेक्शन कन्फर्म इफ आई एम ऑडिबल. ओके सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. और फिर इन बिटवीन द लेक्चर जिसने भी ज्वाइन करना है दे विल ज्वाइन. सो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्कीम दैट इज सफूर्ति. नेम ऑफ द स्कीम इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. MSME Ministry, Finance Ministry, Niti Aayog or Skill Development and Entrepreneurship. Thank you Sumitra for confirming. So here is your first question. पहला question आपके screens पर है. KBC की तरह खेलेंगे और वैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन revision बहुत अच्छी मिलेगी. So इसी के साथ tell me the right answer for this question. So Safoorti is an initiative by Ministry of MSME. सो MSME मिनिस्ट्री की ये स्कीम है बेसिकली, जिसका काम क्या है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं टू ऑर्गेनाइज देम, जो आर्टिजन्स हैं इनटू क्लस्टर्स. सो जब क्लस्टर्स बेस्ड अप्रोच होगी सो इट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव. क्लस्टर्स बन जाएंगे तो एंड ऑल्सो इट विल इंक्रीज देयर इनकम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी एबल टू गिव देम फाइनेंशियल अदर असिस्टेंस. जब वो अलग अलग जो काम कर रहे हैं दे कम टूगेदर एंड फॉर्म अ क्लस्टर. ऑप्शन ए सुमित्रा इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर. डैश साइंस अप टू चैंपियन बॉक्सर्स निखत जरीन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. यस. ONGC, NMDC, NHPC, NTPC. हु अमंग द फॉलोइंग साइन चैंपियन बॉक्सर. नाम याद रख लो, द पर्सनैलिटी इज अ बॉक्सर. सो निखत जरीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. बॉक्सिंग से. एंड रिसेंटली शी साइंड एंड शी इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC. आर यू गोइंग विद ऑप्शन बी? लेट्स चेक. अभिज्ञान शेखर कह रहे हैं ऑप्शन बी NMDC. एब्सोल्यूटली करेक्ट. National Mineral Development Corporation, NMDC is the right answer. NMDC signed Champion Boxer as its brand ambassador. अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर. इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली bilateral air exercise. So the name that you will be giving as the answer, वो air exercise है.
यू हैव टू टेल कि इंडिया एंड फ्रांस पार्टिसिपेटेड इन दिस एयर एक्सरसाइज विच इज अ बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज? डू लाइक दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. जल्दी से बता दो, इंडिया और फ्रांस पार्टिसिपेट इन अ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज? सुमित्रा अभिज्ञान. ऑप्शन डी गरुड़. ओके, सुमित्रा इज सेइंग ऑप्शन डी. लेट्स चेक इट आउट. एब्सोल्युटली करेक्ट. और यहां पर आपकी रिवीजन एक और बार स्ट्रांग होती हुई. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसका आंसर भी आपके स्क्रीन पर ही है. तो ये तो थोड़ा सा आपके लिए एक बोनस हो गया है, बट ये याद में जरूर रख लेना, क्योंकि अब ये क्या है ना, न्यूज में बहुत चल रही है अभी, इंडिया के पास, इंडिया में हो रही है. तो G20 कब एस्टैब्लिश हुई? ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश्ड? सो G20 वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 टू ब्रिंग ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. चलो ये क्वेश्चन ले लो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20? इट इज वेरी इजी फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ ट्रिक. क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इट इज अ कीवर्ड हेयर. वी नो द आंसर्स बट जनरली वी मार्क द रॉन्ग आंसर्स. हम ये क्वेश्चन, वी डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ओनली. करेक्ट. ये भी पीछे देखा हमने. इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट. अभी इंडिया इज हैविंग द प्रेसिडेंसी, तो दिस इज इनकरेक्ट. इफ दिस इज इनकरेक्ट, इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड. सो यहां पर दिस क्वेश्चन में आई चेक द आंसर्स ऑल्सो. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव की अगर बात करी जाए, इट्स मीटिंग्स आर हेल्ड एनुअली. ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट. सो यहां पर ऑप्शन बी कैन बी द आंसर, क्योंकि दे आस्क्ड यू दिस इनकरेक्ट वन. पर अगर मैं एम की बात करूं, टू एलिमिनेट पॉवर्टी अगर बोलूं, तो यहां पर उनका एक टुगेदर ऑब्जेक्टिव यह है टू प्रमोट द फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड टू रिड्यूस द रिस्क, टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर. तो बी एंड सी मेन एम. अब ये कीवर्ड भी है राइट. सो यहां पर ये थोड़ा सा एक वो हो जाता है कंफ्यूजिंग. विल चेक द आंसर एंड देन विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन वंस. इसको वापिस से देख लेंगे. व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन द इंडिया? अभी इंडिया में हो रही है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी एंड द मीटिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया. थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया. वेरी इजी. आप कहीं पर भी देखो बोर्ड लगे हुए होते हैं वेर एवर देर इज G20 समिट. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. अभिज्ञान एंड सुमित्रा एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही है. एंड जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वसुदेव कुटुंबकम, उसके साथ इट इज इन सिंक विद द टेम्पलेट राइट. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. तो इसी के साथ मुझे बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20. देखो G20 के 20 मेंबर्स हैं. यू हैव टू मग अप ऑल द 20 मेंबर्स. ये आज का आपका होमवर्क है राइट. टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि आपने याद किया है या नहीं. आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस. अभी बताओ चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20. ईरान ऑप्शन बी. एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही है अभिज्ञान जी, सही चल रहे हैं आप. तो इसी के साथ अगला सवाल भी बता दो. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इज बीइंग कंडक्टेड सिंस. The survey on higher education is being conducted since.
एनी गेसेस? देखो सेशन को शेयर किया करो यार और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. आंसर इज डी, 2011 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये सर्वे जो है इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, ये याद में रख लेना. और अभी 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल एनरोलमेंट है इन द हायर एडुकेशन वो इंक्रीज हुआ है टू 4.14 करोड़ फ्रॉम 3.85 करोड़, राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सागर सम्राट इज एन ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म इन मुंबई हाई, आइसलैंड इन इंडियन ओशन, शिप यूज फॉर एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन, स्पेसक्राफ्ट. क्या लगता है सागर सम्राट इज वॉट? ए बी सी डी. सुमित्रा, शिप यूज? नो, आंसर है इट इज एन ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म इन मुंबई हाई. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इट इज 176 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मुंबई कोस्ट लाइन. और ये जो है इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. तो अगला सवाल है वो बता दो. 12 चीतास का इनिशियल बैच दे आर टू बी फ्लोन फ्रॉम विच of the following country to India, place to India during February 2023. 12 cheetahs are to be flown from where to India? South Africa, Nigeria, Namibia? A, B, C, D. Option A, South Africa. बिल्कुल सही है अभिज्ञान. They basically, as you know, wild cheetahs India से they have been extinct in the Kuno National Park. So cheetahs are being brought from Namibia. They are being introduced. So अभी के लिए the right answer is now option A, South Africa. अगला सवाल. वीर गार्डियन एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज है between which of the following countries? वीर गार्डियन इज एन एयर डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन. जल्दी से बताओ. इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया जापान, इंडिया इजिप्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया. इंडिया जापान. लेट्स चेक इट आउट. बिल्कुल सही है. इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एयर डिफेंस एक्सरसाइज है ये. एयर याद में रखना, ठीक है. चलो अगला सवाल है. बेस्ट पब्लिक अवार्ड ऑन 74th रिपब्लिक डे इज गिवन बाय. इज गिवन टू यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड. राजेश यादव, बी वॉज द राइट आंसर. नाउ टेक दिस क्वेश्चन. उत्तराखंड, एब्सोल्यूटली करेक्ट, बिल्कुल सही. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, या फिर नन ऑफ द अबोव? ए बी सी डी. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. Have you all marked your attendance by liking this session? Go and mark your attendance. Jaldi se. You have 2 seconds. Wo to khatam hi ho gaya. Chalo 2 minute hai ab aapke paas. A minute for mentioning the answer in the chat section and another minute for going and liking this session. Jaldi se karo, then I'll be giving the answer. स्टैच्यूटरी बॉडी एवरीबडी. दीपिका इज सेइंग स्टैच्यूटरी, राहुल नाथ इज सेइंग स्टैच्यूटरी. तो ये जो भी आए हैं सबने, किसी ने भी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है अभी. जितने यहां पर हैं, हैव यू ऑल मार्क्ड योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन? नहीं करी, कर दी. चलो मूविंग ऑन. बिल्कुल सही है, इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी. तो कब ये एस्टैब्लिश हुई थी?
When was this National Commission for Women established? This is a statutory body. It was established in Rahul, Rajesh, Sumitra, Deepika, Abhigyan. In which year this commission was established? 90, 91, 92, 93. लेट्स चेक, ऑप्शन सी भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है. तो यहां पर स्कोर जो है वो ऐसा है कि अभिज्ञान इज राइट. बच्चे प्लीज मेंशन ए बी सी डी, डोंट गिव मी दी मेंशन द ईयर, जस्ट मेंशन ए बी सी डी लाइक दिस. सो 1992 इज द राइट आंसर. अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एक्ट का नाम याद रख लेना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. अंडर दिस एक्ट दिस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड. कला संस्कृति विकास योजना मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू. अंडर दिस योजना जो मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? टू द स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, हेरिटेज प्लेसेस और वेटरन आर्टिस्ट. टू हूम द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर कला संस्कृति विकास योजना? वेटरन आर्टिस्ट, दीपिका इज सेइंग ऑप्शन डी. व्हाट अबाउट अदर्स? सुमित्रा, राजेश, अभिज्ञान, राहुल जी कह रहे हैं डी. लेट्स चेक इट आउट, एब्सोल्यूटली करेक्ट, डी इज द राइट आंसर. सो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कल्चर की मिनिस्ट्री का ये स्कीम है एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज टू बी लॉन्च विद एन आउटले ऑफ हाउ मच रुपीज? मेंशन द आंसर. वट इज द आउटले? ऑप्शन सी. लेट्स चेक इट आउट, एब्सोल्युटली करेक्ट. 2200 करोड़ का आउटले है. ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम आपसे पूछा भी जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू कि दिस इज फॉर व्हाट. सो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ. ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीज फ्री प्लांट मटीरियल. सो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप से एसोसिएटेड है जिसका आउटले है 2200 करोड़ का. मिशन कर्मयोगी प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर. दिस मिशन कर्मयोगी इज प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, प्राइवेट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज. बताओ. मिशन कर्मयोगी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये है टू बिल्ड सिविल सर्विस कैपेसिटी. लगता है स्टूडेंट्स है बट दिस इज अ ट्रिक. ये गवर्नमेंट इस प्रोग्राम में इट इज टू बिल्ड द सिविल सर्विस कैपेसिटी एंड वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव्ड 47 मिलियन डॉलर का बूस्ट फॉर दिस प्रोग्राम ऑल्सो, राइट? अच्छा, अभी अब बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. रेलवे हैज गोज द हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज डैश इन बजट 23-24. रेलवेज हैज गॉट द हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज हाउ मच करोड़ इन दिस बजट? टू पॉइंट फोर लाख करोड़. करेक्ट, बिल्कुल सही. डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ऐसे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एस्टैब्लिश्ड
will be managed by, this fund will be managed by, this fund will be managed by, क्या लगता है? This fund, urban infrastructure development fund, is being managed by, let's check, national housing bank, option C. इस fund के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, just a minute. Yeah. So finance minister ने recently announced किया कि government will be setting up this fund of 10,000 करोड़ पर ईयर फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इन टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज. दिस ये जो फंड है, इट विल बी यूज बाय पब्लिक एजेंसीज और इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक. तो अभिज्ञान जी, आंसर ए नहीं है, आंसर है ऑप्शन सी. बट वेल डन दैट यू मेड अ गेस, बहुत बढ़िया. चलो फिर इसी के साथ, टेल मी, this particularly vulnerable tribal group development mission is to be launched with an outlay of how much rupees? And these are very important क्योंकि ये सीधा सीधा survey के अंदर आए हुए हैं budget में. With an outlay of how much rupees this mission is to be launched? 25,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 10,000 करोड़. Let's check. Option C, 15,000 करोड़ is the correct answer. तो यहां पर 15,000 करोड़ के लिए for the next 3 years it has been allocated. ये mission है for the social economic development of the tribal group. It is launched as a part of reaching the last mile for one of the 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज. सप्तऋषि प्रायोरिटीज पे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, उसको कवर करेंगे. इस मिशन के अंदर बेसिक फैसिलिटीज टू द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को बात करने की बात करी गई है, हाउसिंग, वाटर, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, इसके रिगार्डिंग. अच्छा चलो ये बता दो, हाउ मच करोड़ इन्फ्यूजन हैज बीन मेड इन द कॉर्पस फॉर रीवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई सेक्टर. एमएसएमई जो कि बैकबोन है ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, देर इज अ स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, सो एज टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एमएसएमई सेक्टर. कितने करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया है इन द कॉर्पस फॉर दिस स्कीम ऑफ एमएसएमई? ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इन द आरबीआई ग्रेड बी. इफ यू चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल सी दिस इज द पैटर्न दैट इज बींग फॉलोड. सुमित्रा कह रही है ऑप्शन बी, 9,000 करोड़, बिल्कुल सही. तो इसी के साथ 9,000 करोड़ तो नहीं मिलेंगे, बट रिवीजन स्ट्रांग हो गई है. एब्सोल्युटली राइट सुमित्रा. द बजट 2023 फोकसेस ऑन डैश प्रायोरिटीज. हाउ मच प्रायोरिटीज? 5, 6, 7, 9, जिसको सप्तऋषि बोला गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट, दैट सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू अमृतकाल. तो कितनी प्रायोरिटीज है सप्तऋषि से पता चल रहा है, जितने लाइव सेशंस में बच्चे हैं अभी. सेवन, बिल्कुल सही है. सेवन कौन कौन सी हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बूस्ट टू दी फाइनेंशियल सेक्टर. प्रधानमंत्री आवास योजना आउटले इज बीइंग एनहांस्ड बाय 66%. सबको पता होगा इसके बारे में, तो इस योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना इज बीइंग एनहांस्ड बाय 66% टू ओवर 79,000 करोड़, बिल्कुल सही है. स्कीम की लॉन्च ईयर 2019, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
having the initiative of affordable housing to the urban poor. Target, making building 2 crore affordable houses by 31st March 2022. Railway ka plan hai to refurbish more than how many coaches of premier trains? Rajesh, Abhigyan, Sumitra, well done guys. You are being consistent and giving the answers till the end. Deepika, mention the answer. Dekho, answer mat roko. क्या है ना, आंसर गलत भी होगा इफ यू आर मेंशनिंग द रोंग आंसर्स ऑल्सो, देन ऑल्सो यू आर लर्निंग, क्योंकि हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू हैव दिस चांस ऑफ गिविंग द रोंग आंसर्स, ताकि फाइनल एग्जाम में गलत नहीं हो. एंड जिंदगी में कभी भी गलती भी करते हैं ना, वो हमेशा याद रहती है. दिस इज अ फंडा ऑफ लाइफ. लेट्स चेक. रेलवे का प्लान है टू रिफर्बिश मोर देन 1000 कोचेज ऑफ प्रीमियर ट्रेन, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, हम सफर, तेजस एक्सप्रेस. यहाँ पे जो इंटीरियर कोचेज है उनको और ज्यादा मॉडर्न लुक दिया जाएगा और पैसेंजर के कम्फर्ट को एनहेंस किया जाए. बाई विच ईयर द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोड्यूस 5 million मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम. 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन. जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो वॉटर की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग दैट इज थ्रू द रिन्यूएबल सोर्स like wind energy, solar power. That is why the hydrogen that is produced here is known as green hydrogen. Government aims to produce, let's check the answer, 2030, option A. 2030 तक का aim है to produce 5 million metric tons of green hydrogen. अभिज्ञान, इट्स ऑप्शन ए, 2030. राजेश, करेक्ट. तो ये क्वेश्चन ले लो. व्हाट विल बी द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स? व्हाट विल बी द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स? What will be the global hub for millets? Indian Institute of Millet Research in Guwahati, Hyderabad, Kochi or Jaipur? Option B, Hyderabad. Indian Institute of Millet Research in Hyderabad is the right answer. जहां पर the finance minister emphasized की millets का health benefits कितने हैं, and for this 2023 is also the international year of millets. Indian Institute of Millet Research Hyderabad will be supported as the center of excellence, जहां से you will come up with the best practices, research and technologies at the international level. Shri Anna was specifically being the collective name of millets, rice variety, fruits or horticulture crops. अभी किया है ना, we covered last से, ये जो question था उसके basis पे answer कर दो इस question का. Shriyana was specifically being the collective name of. Option A, it's millets. So India is the largest producer and second largest exporter of millets like jowar, ragi, bajra, kuttu. ठीक है, तो millet is the right answer. बिल्कुल सही है. Take this last question of today's lecture. Government e-marketplace, आपने सुना ही होगा इसके बारे में. Where जो basically जो जैसे local products, local sellers होते हैं, they can also sell their products and the one who will purchase will be public sector enterprises, state government, central government, right? So government e-marketplace achieves a gross merchandise value of rupees how much lakh crore? Important है. 1.5 lakh crore. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सेशन को शेयर करना है
एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द गवर्नमेंट स्कीम सेशन. अभी हमने रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और ये सारी स्कीम्स जो अभी न्यूज में रही हैं, जो बजट में आई हैं, वी हैव कवर्ड इट इन डेप्थ. वापस से इसको करेंगे कवर इन द स्कीम्स इटसेल्फ व्हेन वी विल बी टेकिंग द बजट. सो फॉर दिस यू कैन एनरोल इन द पेड कोर्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफ द ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म, जहां पर आई बींग योर मेंटर फॉर करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स बेसिकली इट्स कवरेज हो रहा है ऑफ दी करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर. वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इन दैट सिंगल सोर्स इन डेप्थ कवर हो रहा है. यू कैन रेफर एंड विजिट द ऑलिव बोर्ड वेबसाइट, राइट. सो विद दिस आई एम समिंग अप दिस सेशन. थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर, बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि अगला लेक्चर नेक्स्ट वीक जब ये होगा तो आप सीधा 9 बजे रात को ज्वाइन कर लो. थैंक यू, टेक केयर.